इलाहाबाद हाई कोर्ट के हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए जाति शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे, एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्म वेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। जब उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से लव जिहाद के खिलाफ सख्ती की खबर आई, उसी वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर यह कहकर हमला बोल दिया कि लव जिहाद तो बीजेपी का गढ़ा शब्द है ताकि बंटवारे की राजनीति हो सके। मध्य प्रदेश और हरियाणा की बीजेपी सरकारें भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का ऐलान कर चुकी हैं। इस तरीके की घटनाओं से सामाजिक ताना बाना लगातार टूट रहा था और नाम बदल करके छद्म नाम से लोग शादी कर रहे थे, इस वजह से एक अलग कानून बनाने पर विचार करना। सॉरी रोहित जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आम को आम ही बोला जाएगा, संतरे को संतरा ही बोला जाएगा। अगर जिहाद है तो उसको जिहाद ही बोला जाएगा। अगर आप उस चीज से ऑफेंड हो रहे हैं तो जाके अपने समाज को साफ करिए, और इस्लामिक स्टेट बनाने की और गज़वाए हिंद की जो थ्योरी है जो हमारे देश को सदियों से बांट रही है उस पे जाकर काम करिए, तब बोलिएगा कि नहीं है जिहाद नहीं है। अगर आपको जिहाद पॉजिटिव वर्ड लगता है तो वो पॉजिटिव एक्ट लोगों को करके बताइए, जो एक मुकद्दस आपको एक वर्ड लगता है जिहाद। दूसरी बात दीपक जी, देखिए एक पैटर्न है, एक इंसिडेंट या दो इंसिडेंट अगर हम सोचे हैं तो हम ये डिबेट कर सकते हैं कि है या नहीं है, या डिफाइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या कानून कैसे बनना चाहिए। देखिए ये लव जिहाद कितनी तरह से होता है दीपक जी, कुछ सेकंड्स दीजिएगा। या तो निकिता तोमर की तरह होता है कि लड़की अगर मानती नहीं है कन्वर्ट होने के लिए तो आप दिनदहाड़े उसके दिमाग में गोली मार देते हैं, या अंजना तिवारी की तरह होता है कि आप उसको बहला फुसला के आसिफा बना के शादी कर लेते हैं, और क्योंकि इस्लाम में मल्टीपल शादियां अलाउड है तो फिर आप दूसरी शादी करके उस लड़की को छोड़ के दुबई जाके बैठ जाते हैं। या पर तारा सहदेव की तरह होता है कि आप रंजीत कोहली बन के मिलते हैं, शादी के बाद बताते हैं कि आप रफीकुल हसन है, और फिर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं। या पर साहिल सिंह की तरह होता है जो अभी नोएडा में FIR हुई है कि आप लड़की से शादी तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं लेकिन बाद में प्रेशर बनाते हैं कि नहीं या तो कन्वर्ट हो जाओ वरना उसको ब्लैकमेल करते हैं कि पैसा दो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, या फिर ऐसे होता है कि निमिषा नाम की लड़की को शादी करके फातिमा बनना पड़ता है और बाद में उसका रिक्रूटमेंट होता है आइसिस के लिए और वो फिदाइन बन जाती है, एक टेररिस्ट बन जाती है और आज के टाइम में अफगानिस्तान की जेल में है। तो ये एक पैटर्न है दीपक जी, और इसमें एक चीज कॉमन है, इन सारी ही तरह में इस्लाम फैल रहा है। कुछ भी हो रहा है, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, चाहे कान ऐसे पकड़ लीजिए चाहे ऐसे पकड़ लीजिए, बन रही है इस्लामिक स्टेट। तो इस पे डेफिनेटली एक कानून बनने की अब जरूरत है, और अब हमें डिफेंसिव मोड में जाने की जरूरत नहीं है कि लव जिहाद है कि नहीं है, डेफिनेटली। और सिर्फ बच्चों के विरोधी नहीं है, भारत विरोधी मानसिकता है। जो भी लव जिहाद में संलिप्त पाया जाए उस पे देशद्रोह का भी चार्ज लगना चाहिए। मैं खुद इस पे एक रिपोर्ट बना रही हूं, मैं सरकार को सौंपूंगी, सख्त से सख्त इस पे कानून बनना चाहिए।